matter what. और यहाँ देखें तो यार वड़ा पाव ही वड़ा पाव दिखेंगे आपको, देखें सारे फ्रेंड्स व्यू देखें। भाई साहब नजारा देख लें आप। देखिए हमारी सूरत सिटी। हेलो फ्रेंड्स, तो क्या हालचाल है, आशा करता हूँ आप लोग सभी सही होंगे। तो दोस्तों, क्या आप इंदौर से गोवा जाना चाहते हैं, वो भी मस्त ट्रेन से और कोंकण रेलवे का प्यारा सा नज़ारा देखते हुए? जी हाँ, आज की जर्नी यही करने वाले हैं। इंदौर से लेके गोवा तक वाया रतलाम होते हुए हम लोग पूरा कोंकण रेलवे, वो भी दिन में कवर करेंगे यार, सुबह सुबह मॉर्निंग में कवर करेंगे, जो कि भारत के सबसे सुंदर रेल रूट में भी आता है दोस्तों। तो पूरी जर्नी देखिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है। कौन सी ट्रेन है दोस्तों और क्या टाइम टेबल है, क्या किराया है, हम लोग कैसे पहुँचेंगे, पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। हम लोग पहले रतलाम पहुँचेंगे, उसके बाद पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। और ये पूरा प्यारा सा स्टेशन हमारा राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन का, तो बने रहें दोस्तों। फिलहाल दोस्तों हम लोग इंतजार कर रहे हैं डेमू ट्रेन का, जो कि डॉक्टर अंबेडकर नगर महू से रतलाम के बीच में चलती है। राजेंद्र नगर से 9:17 पे यहां से निकलेगी और हम लोग रतलाम पहुंचेंगे और वहां से ही ट्रेन पकड़ने वाले हैं। और ये हमारी डेमू आती हुई दोस्तों, वाओ। निकल गए दोस्तों राजेंद्र नगर से अपने टाइम पे और बस अब पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन रतलाम। दो बज के 42 पे ये आ चुके हैं हम लोग क्लीनेस्ट सिटी इंदौर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, हमारी डेमू ने लगाया है हमें। अब हम लोग इसकी शॉर्ट जर्नी करेंगे दोस्तों, हम लोग सीधे कुछ स्टेशन को कवर करने के बाद सीधे रतलाम में मिलते हैं। और ये हमारा इंदौर जंक्शन। काशी महाकाल एक्सप्रेस इंदौर वाराणसी फ्रेंड्स। ट्रेन की कोच की स्थिति देख सकते हैं आप, पूरा ऐसा कोई विशेष भीड़ नहीं है, यहाँ पे आराम से आप सफ़र कर सकते हैं। ये देखें पूरा कोच का नज़ारा और चलती हुई ट्रेन यहाँ से पास। डेमो का इंतज़ार हो रहा था फ्रेंड्स, देखें फ्रेंड्स। करेक्ट 12:30 ये आ चुके हैं हम लोग रतलाम जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे दोस्तों, हमें उतारा गया है और बाहर चलते हैं स्टेशन के और आपको आगे की जानकारी देता हूं दोस्तों। और ऐसा कुछ नज़ारा है हमारे रतलाम स्टेशन का। ट्रेन नंबर 12450 गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो कि चंडीगढ़ से मडगांव के बीच में दोस्तों चलती है, आज उसी में हम मडगांव तक की यात्रा करने वाले हैं। इसी ट्रेन से हम लोग गोवा जाएंगे दोस्तों। और ये है नज़ारा रतलाम रेलवे स्टेशन का, काफ़ी खूबसूरत सा प्यारा सा रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं यार। इस जगह से हम लोग आए थे इंदौर से डेमू से, और ये देखें प्यारा सा फ्लैग देखें लहराता हुआ प्यारे से मौसम में। और इधर प्लेटफॉर्म नंबर 4, 5, 6 इधर है, तो इधर हम लोग जाएंगे और यहाँ से हमारी ट्रेन को पकड़ेंगे। तो दोस्तों अभी बजी है लगभग 12:45 का टाइम हुआ है और हमारी गाड़ी का टाइम जो है आने का यहाँ पे है 2:48 पे। साप्ताहिक गाड़ी है फ्रेंड्स, सोमवार और शनिवार को चलती है, यहाँ पे 2:48 पे आती है और 2:53 पे निकल जाती है। तो हम लोग के पास अच्छा टाइम बच गया, यहाँ पे 2 हैं लगभग, तो इस 2 को टाइम को थोड़ा सा पास करते हैं, कुछ नाश्ता पानी करते हैं और फिर जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद आपको खाने पीने की चीज़ें तो मिलेगी और सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे नमकीन प्रोडक्ट की दुकानें दिखेंगी आपको। देखें रतलामी सेव, और इधर भी देख सकते हैं यार सारी जगह रतलामी सेव काफ़ी फेमस है।
तो फ्रेंड्स कुछ ऐसा नज़ारा है प्लेटफॉर्म नंबर 4 का, जहाँ पे हम हमारी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। और ये देखें यार, भव्य स्टेशन रतलाम का। तो दोस्तों टाइम बचा हुआ था तो सोचा यहीं पे खाना खा लिया जाए, और बहुत अच्छी व्यवस्था है यार यहाँ पे बैठने की। देखें सारे लोग बैठे हुए हैं, तो यहीं खाना खाते हैं और फिर ट्रेन में जर्नी स्टार्ट करते हैं। आज का कुछ मेन्यू दोस्तों ऐसा है, भिंडी की सब्जी, पूरी, चिप्स वगैरह, और ये पट्टी है ये, और ये चटनी। गोल्डन टेंपल महल, मुंबई अमृतसर। देखिए फ्रेंड्स, गोल्डन टेंपल महल मुंबई अमृतसर आती हुई। हजरत निजामुद्दीन त्रिवेंद्रम। हजरत निजामुद्दीन पुणे दुरंतो एक्सप्रेस। वाओ भाई, एक के बाद एक लगातार ट्रेनें आ रही है, लेकिन हमारी ट्रेन अभी इसके पीछे आने वाली है दोस्तों। चंडीगढ़ मडगांव। अपने टाइम से 30 मिनट लेट ये आ चुकी है 3:25 पे रतलाम के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। तो 3:32 पे हम लोग रतलाम से निकल चुके हैं, ये देखिए। और ये प्यारा सा प्लेटफॉर्म हमारा रतलाम का। रतलाम स्टेशन को छोड़ती हुई हमारी गाड़ी माही रिवर। बहुत ही शानदार कर्व देखें जंक्शन। डाकोर, आनंद, अडियाल और अहमदाबाद जाने के लिए गरम गरम बड़ा वाह वाह। मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद। बड़ा पाव दिखेंगे आपको पटरी के किनारे जो खड़े हुए हैं, डायरेक्ट वडोदरा से पहले ही ट्रेन में चढ़ रहे हैं।
डीजल लोकोमोटिव वडोदरा जंक्शन। तो दोस्तों 260 किलोमीटर की कंटिन्यू जर्नी करने के बाद ये देखें हम लोग आ चुके हैं यार वडोदरा जंक्शन। देखें काफ़ी बेहतरीन तरीके से चली यार रतलाम से ही और काफ़ी मज़ा आया जर्नी में, बहुत प्यारे प्यारे सीन दिखे। और यहाँ देखें तो यार वड़ा पाव ही वड़ा पाव दिखेंगे आपको, देखें सारे वड़ा पाव ही वड़ा पाव। और ये है वडोदरा एक जंक्शन, क्योंकि यहाँ से एक लाइन अहमदाबाद के लिए जाती है और एक केवड़िया लेक के लिए निकल जाती है। दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी आप यहाँ से जा सकते हैं। वडोदरा 6:40 पे ये वडोदरा जंक्शन से निकलती है हमारी गाड़ी। अपनी साड़ियों और डायमंड सिटी के नाम से मशहूर ये आ चुके हम लोग सूरत में ठीक 8:10 पे। अपने टाइम से मात्र 5 मिनट लेट आई, काफ़ी बढ़िया चल रही है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। और खाने पीने की चीज़ें भी आज शानदार है यहाँ पे सूरत में, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, समोसे, खमंड, ब्रेड वड़ा, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको ठंडे गर्म में, स्नैक्स में। 8:15 पे दोस्तों ये निकलती हुई सूरत से। देखिए हमारी सूरत सिटी, बड़ी बड़ी होटलें, इंस्टीट्यूट वगैरह सारी चीज़ें हैं। सूरत का बेहतरीन सा नज़ारा भाई साहब, देखें ये टेक्सटाइल्स मार्केट है ये। खाना हो रहा है और गाड़ी हमारी सूरत से आगे बढ़ चुकी है। खाना खा के आराम से रेस्ट करेंगे और सुबह मॉर्निंग में आपसे मिलते हैं फ्रेंड्स बढ़िया व्यू के साथ। वलसाड़ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह की बजी है 6:58 और हम लोग खड़े हुए हैं संगमेश्वर रोड में यार। काफ़ी टाइम से खड़ी हुई हमारी गाड़ी, आगे रत्नागिरी हम पहुंचेंगे, थोड़ी लेट हो गई है, वैसे ही रोड से ही स्लो चली गाड़ी। और देख सकते हैं यार ये संगमेश्वर का प्यारा सा नज़ारा, काफ़ी बेहतरीन। और हम लोग लग चुके हैं यार कोंकण रेलवे में, देखें आप ये खूबसूरत सा नज़ारा है।
एर्नाकुलम हजरत निजामुद्दीन। फल गरना स्टार्ट हो चुके हैं। ये देखें रत्नागिरी में बेहतरीन बारिश, रत्नागिरी, ये है रत्नागिरी। और रत्नागिरी में स्वागत हुआ हमारा बारिश से। तो दोस्तों 6:40 पे आने वाली ट्रेन 8:10 पे आई है ये रत्नागिरी। यार देख सकते हैं आप रत्नागिरी का नज़ारा। स्वागत हुआ हमारा भव्य बारिश से, एकदम तेज़ सी बारिश आई। और उक्षी के बाद से यार कंटिन्यू टनल पे टनल आई। और एक टनल तो यार इतनी लंबी थी कि कम से कम 15 मिनट लग गए उसको निकलने में। फाइनली ये है रत्नागिरी, अपने हापुस आम के लिए जाना जाता है दोस्तों। और ऐसा कुछ नज़ारा यार। और ये कोंकण रेलवे काफ़ी सुंदर है यार, और ख़ासकर इस मानसून में। तो भाई आवाज़ देखें कितनी तेज़ बारिश हो रही है यार, बेहतरीन। ये रत्नागिरी में खाने पीने का फ्रेंड्स यहाँ पे स्टाल भी मिल जाएगा है। यहाँ पे हापुस आम के लिए फेमस है, तो ये तिल पट्टी वगैरह। और रत्नागिरी से भी निकलती हुई हमारी गाड़ी देखें आप। वाओ रत्नागिरी, ये रत्नागिरी का नज़ारा दोस्तों। कोंकण रेलवे का एक खूबसूरत सा स्टेशन विल वड़े देखें यार। यहाँ पे हालांकि हमारा स्टॉप नहीं है, क्रॉसिंग के लिए रुकी हुई है गाड़ी, लेकिन नज़ारा कितना सुपर से ऊपर वाला है देखें इस खूबसूरत से स्टेशन का। यार कोंकण रेलवे की बात करें तो यार पूरा जो सेक्शन है ना काफ़ी बढ़िया यार, पूरे जंगलों से और बढ़िया सी मुड़ती हुई गाड़ियाँ जाती हैं। कोयंबटूर जबलपुर।
तो फ्रेंड्स एक स्टेशन आया है झारा, जहाँ पे क्रॉसिंग के लिए हमारी ट्रेन खड़ी हुई है। और यार कोई भी स्टेशन आता है वैसे स्टॉप नहीं है, रत्नागिरी के बाद सीधे हिविम में स्टॉप है। तो जहाँ भी क्रॉसिंग दिखती है यात्री सभी आ जाते हैं और दृश्य इतना अच्छा है कि सेल्फी फ़ोटो खींचते हैं और काफ़ी मज़ा आता है यार। देखें वेलकम टू गोवा। दोस्तों गोवा राज्य में एंटर हो चुके हैं और गोवा का पहला स्टेशन पणजीम आ चुका है और इसके ही आगे अगला स्टेशन आएगा थिविम। लेट हो गई है फ्रेंड्स, लगभग एक घंटे लेट चल रही है गाड़ी। तो फ्रेंड्स 11:55 पे ये आ चुके हम लोग थिविम रेलवे स्टेशन और ऑलमोस्ट यहाँ पे पूरी गाड़ी देखेंगे तो खाली हो चुकी है, क्योंकि गोवा नियर बाय गोवा यहीं से पड़ता है। नॉर्थ गोवा की बात कर रहा हूँ, वैसे हम लोग भी मडगांव के लिए जा रहे थे लेकिन नॉर्थ गोवा यदि घूमना है तो थिविम में उतरे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, पास पड़ेगा और ऐसा नज़ारा है थिविम का। ओवरऑल फ्रेंड्स कैसी क्या लगी आपको जर्नी बताइएगा, अच्छी लगे तो क्या करना है आपको, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना फ्रेंड्स। और अगली और आने वाली वीडियो बेहतरीन होने वाली है गोवा के लिए होगी, अच्छा अच्छा घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और बताएंगे। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।